नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। आज डॉक्टर्स डे है। वो डॉक्टर्स जो कि भगवान की दी हुई जिंदगी का ख्याल रखते हैं, यानी कि अगर भगवान के बाद कोई सृष्टि पर है तो वो डॉक्टर्स है। लेकिन डॉक्टर्स को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं, विशेषकर जम्मू की बात करूं, क्योंकि जम्मू में स्वास्थ्य जो सेक्टर है, जो हेल्थ सेक्टर है, वो उतना बेटर नहीं है। और कई बार शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही से ऐसा हुआ या वैसा हुआ। लेकिन आज डॉक्टर्स डे है, दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर रोहित लाहौरी है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड डॉक्टर है और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। और इसी नाते मैं आज इनसे जो बातचीत करने वाला हूं उसमें मित्रता जरूर झलकेगी, लेकिन सवाल मेरे तीखे होंगे। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर्स डे है, सबसे पहले तो इन ब्रीफ आप ये बताइए कि डॉक्टर्स डे किस लिए बनाया गया? देखिए विशाल जी, ये जो वेस्ट बंगाल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे और एक बहुत मशहूर रिनाउंड फिजिशियन थे बिधान चंद्र जी, उनका जो बर्थडे है वो 1 जुलाई ही आ रहा है और वो बहुत रिनाउंड फिजिशियन थे, कंट्री वाइज भी, वर्ल्ड वाइज भी। तो उनके उनकी मतलब उनकी याद में, उनके जन्मदिन की याद में इसको एज ए डॉक्टर्स डे, वो खुद डॉक्टर थे तो उनकी याद में ये मनाया जाता है कि ये एक दिन जो है ये डॉक्टर्स का दिन माना जाए। जी डॉक्टर साहब, कितना जरूरी होता है इस प्रकार के दिन सेलिब्रेट करना, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उनका बर्थडे है, तो इन दिनों को सेलिब्रेट करने का इम्पोर्टेंस क्या रहती है? देखिए दिन, आप विशाल जी देखेंगे, आप डायबिटिक डे होता है, लिवर डे होता है, किडनी डे होता है, पेन एंड पैलेटिव केयर का डे होता है। दिन एक चुना जाता है, एक खास तौर पर विशेष एक तिथि होती है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप पूरी दुनिया में उस दिन को मनाया जाता है। जैसे जैसे हमारा ये नेशनल डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सिर्फ हिंदुस्तान में मनाया जाता है, आप समझ रहे? तो इसमें क्या होता है कि ये एक याद चीज है कि उस पर्सनैलिटी को याद कर रहे हैं और साथ में उस पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हुए, जो उस पेशे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी एक अपनी तरह से काम कह सकते हैं कि उनको थैंक गिविंग का एक मैसेज देते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे अभी भी याद है जब आप पेन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे और जब ये पूरी पेन की शुरुआत आपने की, उस वक्त भी आपकी मेरी बातचीत काफी होती रहती थी। और आज आप जिस मुकाम पे है, किस प्रकार से देखते हैं अपनी इस पूरी जर्नी को? मैं इस मुकाम में अभी भी नीचे से ही ऊपर की तरफ देखता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ तो नहीं देखता हूँ। देखो जर्नी ऐसा है विशाल जी की, जर्नी तो काफी बढ़ी रही है, नो डाउट अबाउट इट, और सब लोगों का सहयोग रहा है, आप लोगों का सहयोग रहा है, मेरे पेशेंट्स का सहयोग रहा है, उनका ट्रस्ट रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप ये मानेंगे कि सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट पे ही चलती है तो नहीं होता है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप डिलीवर कितना करते हैं पेशेंट्स के लिए, आप क्या, आपके डिलीवरी सिस्टम में क्या है, आप कितना डिलीवर कर पा रहे हैं, उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लंबी जर्नी है, अभी भी बहुत लंबी जर्नी है। मैं चाहता हूँ कि काफ़ी नए डॉक्टर्स भी इस प्रोग्राम में खासतौर पर आए, क्योंकि आज वर्ल्ड खासतौर पर नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो ये मैसेज एक स्ट्रॉन्ग जानी चाहिए कि ये फील्ड जो है, खासतौर पर पेन और पैलेटिव केयर का डिपार्टमेंट जो है, इसमें बहुत सही तरीके से उन डॉक्टर्स की जरूरत है जिन डॉक्टर्स में एम्पैथेटिकल एटीट्यूड हो, और वो अगर इसमें आए, और मैं विश करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो यंग जनरेशन के डॉक्टर्स हैं वो आए, इस पेशे को अपनाएं और इसको और बुलंदियों तक लेके जाएं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी दिलचस्प बात यह है कि आपके जो फादर साहब हैं वो भी डॉक्टर हैं, और अगर आप चाहते तो जिस स्ट्रीम के वो डॉक्टर है, अगर आप उस स्ट्रीम में जाते तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतरीन हो सकते थे। हालांकि मैं आज आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको इन हाउस इतनी अच्छी एडवाइस और एजुकेशन मिल सकती थी तो वाई यू ऑपरेट अ लाइन जो कि टोटली डिफरेंट थी और उसके लिए संघर्ष भी आपको करना पड़ा, जिसका मैं साक्षी हूँ। विशाल जी, आपने एक बहुत पेचीदा सवाल पूछा और पेचीदे सवाल का मैं बहुत सरल आंसर दे देता हूँ जी। मुझे याद है कि मेरे पिताजी मुझे नाराज थे कि आपने पीडियाट्रिक्स को क्यों नहीं चुना। बिल्कुल, और किसी ना किसी तरीके से मैं पीडियाट्रिक्स में आ भी सकता था, पर मैं आपको एक बड़ी सरल बात बताऊं कि एक बार मुझे बहुत गुस्से में पिताजी ने यह सवाल पूछा था, बोला था कि भाई आप क्यों नहीं पीडियाट्रिक्स में आए, आपके लिए फील्ड बना हुआ है, बना है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, मैंने कहा कि मैं अभिषेक बच्चन की मौत नहीं मरना चाहता जी, समझ गया। जब फादर बहुत ज्यादा रेनाउंड होते हैं ना, जब फादर की बहुत बड़ी ऊंची कद होती है ना जी, तो बेटे को उस शैडो से बाहर निकलने में बहुत मेहनत लगती है। आप पूरी हॉलीवुड में देख लीजिए, आप पूरे बॉलीवुड में देख लीजिए, अभिषेक सुन रहा होगा अभी पूरे हॉलीवुड में, बॉलीवुड में देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान को अपनी अपनी शुरुआत जो है वो एक नए से करनी चाहिए, एक नया आयाम खड़ा करना चाहिए।
आपने देखा कि पेन और पैलेट केयर का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ? नहीं था, मैंने कहा नहीं था। अब पेन और पैलेट केयर का कॉन्सेप्ट आया है, नई जनरेशन आएंगी पेन और पैलेट केयर में। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक इंसान को नई चुनौतियों को लेने की जरूरत है, बट ही हैज टू कम ओवर इट, और तभी हमारा जो विकास होगा वो और ज्यादा ब्रॉड एंगल से होगा। और आपको सोचना है ब्रॉड एंगल से कि हमने कितना कवर करना है, कितना एरिया हमारा, जैसे हमारे ये बिल्कुल नया सा फील्ड था आपने दिया मुझे, पता है जब यहां पे नए फील्ड पे काम करना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम, चैलेंजेस बहुत है। ठीक है, देखिए आज 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 आप भी के सामने हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आ गए, मैं तो इसलिए आपका इंटरव्यू करने आया ना, क्योंकि आपने तो शुरुआत नहीं की, तो याद तो ऑलरेडी बहुत है, लेकिन मुझे लगा कि आपने नहीं शुरुआत, इसलिए इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं कि मेरे मित्र है, मित्र मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो संघर्ष इनका रहा वो बहुत गहरा संघर्ष रहा। एक चाय के गिलास पे हमारी बातचीत उस समय होती थी कभी कभी, और आपका ये ड्रीम था कि ये पेन का क्लिनिक यहाँ पर खुले, और आज उसी क्लिनिक में इंटरव्यू हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सब ये बताइए, आप जीएमसी में भी रहे और उस समय भी काफी ज्यादा आपने वहां काम किया, लेकिन अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि डॉक्टर्स की गलती की वजह से पेशेंट की जान गई। बड़ा ही अजीब सा वाक्य लगता है कि डॉक्टर की गलती की वजह से जान गई, जबकि डॉक्टर का काम जान बचाना है। Exactly. इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए विशाल जी, मैं आपके माध्यम से बहुत क्लियर कर दूं। पहली बात तो यह है कि जहां तक ये एक हमारे यहां पे हमेशा क्या रहा है कि इंडियन सेटअप में, खासतौर पर इंडियन सेटअप में एक ब्लेम गेम रही है, डॉक्टर की गलती है, मॉब की गलती है, पुलिस की गलती है, ड्राइवर की गलती है, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि जिन परिस्थितियों में ड्राइवर उन गाड़ियों को उस रास्ते से जा रहा है, लेके जा रहा है, मे बी उसका ब्रेक फेल हो गया और उसकी वजह से उसका क्रैश हो गया और 12 लोग मर गए। कोई ये नहीं समझ सकता है कि भाई जब पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है या आर्मी पे हमला हो रहा है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने प्रोटेक्शन करेंगे, तो उसके बरकस कोई चीज हैपनिंग हो जाएगी, कोलैटरल डैमेज हो जाएगा। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारा एक ऐसा विभाग है यहाँ पे कोलैटरल डैमेज वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो हम अपने दिल से करेंगे। ये बात बिल्कुल आपकी मैं मानता हूं कि लोगों का हमेशा ये कहना होता है कि डॉक्टर्स की वजह से, डॉक्टर्स की लापरवाही से। देखिए कोई भी डॉक्टर लापरवाही नहीं कर सकता है, वो कर ही नहीं सकता, लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता, हमारे प्रोफेशन में लापरवाही का सवाल उठता ही नहीं है। बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमारे, आपने जीएमसी की बात की, मैं कह रहा हूं बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में, वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन में कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन आर नोन, हर एक चीज की कॉम्प्लिकेशन होती है। आप चाहे छोटा सा ऑपरेशन कीजिए, चाहे उसमें बड़ा सा ऑपरेशन कीजिए, हर एक चीज की कॉम्प्लिकेशन रिस्क रहता है, चाहे आप दांत निकालने चाहिए या चाहे दांत की रूट कनाल कीजिए, रिस्क रहता है, चाहे आप मेजर सर्जरी हार्ट की कीजिए। ये जो रिस्क फैक्टर है, इस रिस्क फैक्टर को बाद में लोग नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज जब करते हैं इस रिस्क फैक्टर को, तब ये बन जाता है कि ये आज ही ये इनकी तरफ से गलती होगी। पर वो मैं ये समझ सकता हूं कि अब पेशेंट के साथ अगर आपका अच्छा रैपो है, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ अच्छा रैपो हो, और अगर आपने उनको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी समझाई हो, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट समझाया हो, कंसर्न है। देखिए क्या होता है, आपने जो ये बात हमारे जीएमसी के बारे में बोली या मेरे हॉस्पिटल के बारे में बोली, पर यही बात वेदांता पे, यही बात फोर्टिस में, यही बात आर्टमिस में भी, मगर वहां पे आपको 100 कागज हो वो साइन करना पड़ता है, आप कंसेंट को साइन करते हैं, रिपीटेडली कंसेंट को साइन करते हैं, किसी छोटे से छोटे प्रोसीजर के लिए भी कंसेंट साइन करते हैं, आप समझते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आप वहां पे ब्लेम गेम नहीं होती है, वो डॉक्टर पे ब्लेम नहीं चढ़ता, और अगर चढ़ भी जाए तो वो इतना बड़े इंस्टीट्यूशन है तो वो खत्म हो जाती है सब चीजें। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स की गलती कहीं नहीं है। यूजुअली क्या होता है, ये नहीं मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ डॉक्टर्स को, मैं डिफेंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मैं डॉक्टर्स को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स को कहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगर डॉक्टर ने बदतमीजी की बोलने में, अगर बोलने में उसने गाली गलौज का इस्तेमाल किया, अगर उसने मैं कह सकता हूँ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, वो किसी किताब में नहीं सिखाई जाती, वो सोसाइटी से सिखाई जाती है, वो सोसाइटी से इम्बाइब करके आता है, वो सब उसका पर्सनल कैरेक्टर, वो पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है। बाकी जो चीज है ट्रीटमेंट में, कहीं पे आप जो कह सकते हैं, मैं उससे मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि देखिए डॉक्टर्स ने तो इससे पहले भी बहुत बार बना होगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू करते हैं उसका कोई मकसद होना चाहिए, जनता को उसका फायदा मिलना चाहिए, और फायदा यही है कि ये एक बहुत बड़ी धारणा है कि डॉक्टर की गलती रही, डॉक्टर का ये रहा। लेकिन डॉक्टर साहब आप एक चीज तो मानते हैं, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ओवरलोडेड है और ओवरबर्डन की वजह से उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना होना चाहिए। विशाल जी बिल्कुल फिर भी नहीं मानता हूं मैं आपकी बात को, ये नहीं मैं आज काटने के तुला हूं, पर सवाल ये है कि देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सिस्टम को अगर आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपके यहाँ पे एम्स बन रहा है, एम्स बन गया, आपके पास एम्स बन रहा है,
तो देखिए, मैंने कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने यही सवाल पूछा क्या कि यहाँ से बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो जम्मू से बाहर जाते हैं। मेरा अगला सवाल, जम्मू से बाहर ट्रीटमेंट ले जाते हैं। देखिए, जम्मू से बाहर ट्रीटमेंट के लिए क्यों जाते हैं पेशेंट्स, उसमें कुछ चीज़ें हैं। देखिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पे अब भी जो है प्रॉपरली तरीके से फंक्शनल नहीं है। आप समझे मेरी बात? तो वो जो डिपार्टमेंट्स के लिए अब, और दूसरी बात ये है कि आप कितना एफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, कोई चाहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को लेके जाऊं, तो वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसको टाटा मेमोरियल लेके जा रहा है, वो उसको राजीव गांधी लेके जा रहा है, पर क्या हमारे यहाँ पे जीएमसी में कैंसर का विभाग नहीं है? क्या हमारे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में कैंसर का विभाग नहीं है? वो तो कैंसर इंस्टीट्यूशन ही है पूरा। फिर आपको लेने की क्या जरूरत है? क्या होता है कि अगर आप, हम लोग बहुत उतावले होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट, तो वो बेस्ट को हम कभी जज ही नहीं करवाते, वो बेस्ट कहाँ पे है? हालांकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट जो वहां से आते हैं उनको वही ट्रीटमेंट्स होते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पैलेटिव केयर में हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनकी वही ट्रीटमेंट, वही कीमोथेरेपी चल रही होती है जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने लिखी होती है। तो सवाल ये है कि हमें उतावलेपन में कुछ नहीं करना चाहिए, ओवर बर्डन नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उसमें कम काम हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, पर सिर्फ ये चीज है कि जैसे हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हो जाएंगे, अच्छी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे, दर्फी के इंस्टीट्यूशन फंक्शनल हो जाएंगे, तो मैं समझ सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का मुकाबला की हेल्थ सेक्टर में आने वाले टाइम में कोई नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए की आपके पास इंश्योरेंस प्रधानमंत्री की तरफ से, तो मैं समझ सकता हूं कि आने वाले टाइम में आपको, हम लोगों को जम्मू कश्मीर को इंफ्रास्ट्रक्चरली बीट कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अगर मतलब मुद्दे की बात करें तो ये है कि एक इमेज क्राइसिस है, कि इमेज बना दी गई है कि जम्मू के डॉक्टर ऐसे हैं या बाहर के डॉक्टर्स अच्छे हैं या यहाँ पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक इमेज क्राइसिस इसको मैं कह सकता हूँ जो आपने मुझे बताने की कोशिश। सर, हमेशा अपना बच्चा जो है ना वो कमजोर लगता है, दूसरे का बच्चा मोटा लगता है। जी, ये माओं में ऐसी धारणा है, वो कहते हैं कि अपना बच्चा कमजोर है, दूसरे का बच्चा मोटा है। सर, तो यही धारणा मैं समझ सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी लगती है। हम, और इसी चीज को हम, अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो कहा जाता है द फील्ड्स आर मोर ग्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल, दूसरे पहाड़ी के दूसरी तरफ में ज्यादा ग्रीन है। तो जब वो लोग यहां से लखनपुर को टपते हैं ना, पार करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कितनी अच्छी है लखनपुर से और उसके आगे के इलाके से। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि सर, धारणा जो खराब हुई है उसको टाइम लगेगा ठीक होने में टाइम लगेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, एम्स आ गया है हमारे पास, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि धारणा भी चेंज हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर्स डे पर ये विशेष इंटरव्यू था, और मकसद मेरा ये था कि जो धारणाएं बनी है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेक्टर अच्छा नहीं है, यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, वो धारणाएं जो है वो सही हो जाए, और लोग जो कि इलाज के लिए बाहर का रुख करते हैं, जेब में पैसा नहीं होता लेकिन उधार उठा लेते हैं और बाहर से ट्रीटमेंट अगर लेकर आते भी हैं तो कई बार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो धारणाओं में बहना या भावनाओं में बहना छोड़िए और असलियत के पीछे भागिए। और असलियत ये है कि आपके पास बहुत कुछ है, स्वास्थ्य सेक्टर यहाँ पर बहुत बेहतरीन हो रहा है, आने वाले वर्षों में और बेहतरीन होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपने विश्वास को दुरुस्त करने की। नमस्कार।